हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरती सहगल और आरती फटाफट रेसिपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूं बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट स्मूदी। या आप ब्रेकफास्ट में लीजिए और अपने हेल्थ को इम्प्रूव करिए। ये जो है हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, एनर्जी देती है, हमारे वेट लॉस में बहुत काम करती है, हमारी स्किन और हेयर्स के लिए भी बहुत बढ़िया रहती है, हमारी स्लीप को बेटर करती है और हमारे ओवरऑल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करती है। तो ये रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ओट मील। तो ओट्स को सबसे पहले हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, बहुत ही लाइट हीट पे हमको इसको रोस्ट करना है और हल्का सा रोस्ट होने के बाद ही हमें इसको निकाल लेना है एक बाउल में। ओट्स को हमेशा रोस्ट करके ही यूज़ करना चाहिए। तो जैसे ही ये ठंडा होगा हम अपनी स्मूदी बनाएंगे। पहली स्मूदी है मेरी स्पिनिच सरप्राइज ब्रेकफास्ट स्मूदी। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ ओट्स 2 बड़े चम्मच, ये मैंने जार में ले लिया है। और फिर मैंने लिया है एक बड़ा बाउल स्पिनिच का, चिया सीड, वनीला एसेंस, और मीठे के लिए मैं डाल रही हूँ हनी 1 टेबल स्पून, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 कप बनाना, 1/2 कप मैंगो, इन सबको मैंने काट लिया है, थोड़ी सी आइस और 1/4 कप पानी। पानी की जगह आप कोकोनट वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको ब्लेंड कर लेंगे और ये बन जाएगी हमारी स्पिनिच सरप्राइज ब्रेकफास्ट स्मूदी। ये देखिए मैं इसको पोर कर रही हूँ एक ग्लास में, अब आप इसको इन्जॉय करिए। ये बहुत ही हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शन है, हमारे कॉन्स्टिपेशन को भी प्रिवेंट करता है और सबसे अच्छी बात है ये डेयरी फ्री है, तो आप इस को ज़रूर बनाइए। सेकंड है मेरी बीटरूट हेल्दी ब्रेकफास्ट स्मूदी। बीटरूट के लिए मैंने लिया है इसमें 1/2 कप बनाना, 1/2 कप एप्पल, 1/2 कप बीटरूट, इन सबको मैंने काट लिया है। और मैं ले रही हूँ उसमें 1 टेबल स्पून हनी और पानी, वही 1/4 कप पानी, उसमें आप कोकोनट वाटर भी यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा आइस। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया, अब इसको मैंने सबको चला लूँगी। तो ये बन गई है हमारी बीटरूट स्मूदी, ये देखिए मैं इसको डाल रही हूँ। ये बीटरूट में सबसे अच्छी बात है कि एक तो इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमारी जो कैंसर सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को कम करता है, और ये रिच इन फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये बहुत ही बढ़िया स्मूदी बन गई है। तो थर्ड स्मूदी हम अपनी बताते हैं, पीच ओटमील ब्रेकफास्ट स्मूदी। इसके लिए मैंने लिया है पीच, इसको मैंने काट लिया है, और 1/2 चम्मच मैंने लिया है हनी, वनीला एसेंस, और 2 चम्मच ओट्स लिया है, ये देखिए ओट्स डाल दिया है मैंने, और इसमें आइस और 1/4 कप पानी। पानी की जगह आप कोकोनट वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको चला लेंगे, ये बन गई हमारी ओटमील स्मूदी। ये हमारी स्किन और हेयर्स के लिए बहुत अच्छी होती है और डाइजेशन के लिए तो होती ही बहुत अच्छी है। ये हमारा स्नैकिंग ऑप्शन भी है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ अपने कमेंट शेयर करिए। तो ये जो तीनों मैंने स्मूदीज़ बनाई हैं ये बहुत ही हेल्दी हैं और रिच इन फाइबर्स हैं, आपकी स्किन और हेयर्स के लिए, हमारे पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छी हैं। तो ये सारी स्मूदी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ बहुत सारे अपने कमेंट शेयर करिए कि आपको कैसी लगी। और आज के लिए इतना ही, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे कि मेरी सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।